खबर लखनऊ से है, जहां नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो समाज से वह आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में उसी क्षेत्र के लोगों में अत्याचार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीन काले कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा किसानों ने जो हिस्सा लिया और शहीद हुए, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। वहीं आज भी गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है। किसान पीड़ित हैं। हम उम्मीद करते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष इस पर जनता और किसान के नौजवानों के मुद्दों पर सरकारों से लड़ने का काम करेगी। वहीं भाजपा सरकार में सिर्फ किसानों के साथ धोखा हुआ है। लखनऊ से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। ज्यादा भाजपा सरकार में उसी क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार हुआ। तीन काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों ने जो हिस्सा लिया और शहीद हुए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। आज भी गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। लगातार किसान पीड़ित है। तो ये जो सारे विषय हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष इस पर जनता के और किसान के और नौजवानों के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने का काम करेंगे।